नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल शुभ जर्नी के ऊपर। लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था रूपनारायण मंदिर और लक्ष्मण झूला, वहाँ से सीधा हम आए कामली घाट जो कि देवगढ़ के पास में है, राजसमंद जिला राजस्थान। और एक रात यहाँ पर रुके, रुकने के बाद में हम सुबह यहाँ से जाएंगे गौरी धाम। राजसमंद जिले के देवगढ़ के नज़दीक कामली घाट और दिवेर के बीच में बाघाना गाँव से एक रास्ता जाता है गौरी धाम। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गौरी धाम। आए थे कल वहीं से होकर के, लेकिन शाम हो रही थी, हमने सोचा शाम को नहीं सुबह ज्यादा अच्छा रहेगा और सुबह हम लेट हो गए, इसलिए अभी थोड़ी लेट ही हो गए, 9-10 बज रहे हैं। फिर भी जाएंगे। सिया को आज नई गाड़ी दिलाई। सिया गाड़ी दिखाई, आ गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, ये गाड़ी है गाड़ी। चले। और बुरी बात यह है कि आज मौसम एकदम धूप वाला है। राम राम। राम राम। ये गौरी धाम इस साइड में है क्या मंदिर? हाँ, ये रास्ता पता है। कच्चा है या रोड ऐसी? वैसे गाड़ी जाएगी, इतना भी कच्चा नहीं है। गाड़ी जाएगी, रोड जाएगी। 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कोई और जाता है? कोई और जाता है? और कौन जाता है? मतलब हमारे अलावा कोई और जाएगा उस रास्ते से जो पैदल चलने वाला है? नहीं, उधर अभी इतना कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता? अच्छा, वैसे है देखने लायक है। जो व्यक्ति हमें रास्ता बता रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे, इस रास्ते से अभी शायद ही कोई जाता होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 1-2 दिनों में बारिश हुई थी, लेकिन बारिश के बाद में कोई भी गाड़ी के निशान नहीं दिख रहे थे। ये देखिए, सिर्फ इसी गाड़ी के टायरों के निशान आपको दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से एकदम सुनसान घना जंगल धीरे धीरे खतरनाक हो रहा था। दोस्तों यहाँ जंगल में हमें ये बाबा जी मिले हैं। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो बकरी चरा रही हूँ। बकरी चरा रहे हो? अच्छा, तो कोई जंगल में जंगली जीव का डर नहीं है? हाँ, वो डर तो है, पर वो जानवर है। कौन से? ओ, रीछ है, शेर है। रीछ, शेर? हाँ। अच्छा अच्छा, कभी मिलते हैं आपको? मिले नहीं। अच्छा। हाँ, मिले गए आपको, फोटो खींचा दूँ मैं, देखा के फोटो देखा के। हाँ, क्या चीज़? शेर का? शेर का है, शेर तो वो शाम का मिले। हाँ। रीछ तो कोई भी टाइम मिल सके। रीछ। और यहाँ पानी क्या है व्यवस्था कोई जंगल में? पानी की तो बस वो जी है, हेडपम्प है। अच्छा, हेडपम्प है, एक हेडपम्प यहाँ पर। हाँ, लगा हुआ है, एक कुड़ी पर है। हाँ, हाँ। और गौरी धाम तक और रास्ते में नहीं है पानी? हाँ, बस वो है, आगे तो नहीं है, आगे तो गौरी धाम। आप पैदल चराने आते हो? मैं पैदल आ रही हूँ। गाँव कौन सा है आपका? बागाना। ये बागाना गाँव? हाँ। अच्छा, तो पूरे जंगल में ऐसे चराते हो? नहीं, मैं अपने छूट छूट है। एक बात समझो, इसमें पेड़ क्यों नहीं है? जंगल में पेड़ खत्म कैसे हो गए? पेड़ तो है नहीं साहब, ये जैसे ये जंगल है। हाँ, ये कोई कोई है, बाकी ये जंगल है। हाँ हाँ। इसमें नाम बकरी नहीं वाला है, है? नहीं, नहीं, नहीं वाला है, मैं भी नहीं वाला। बकरी अंदर नहीं जाएगी? अच्छा, अंदर नहीं लेके जा सकते? बंद कुंप पे। अच्छा, कहाँ से बंद है ये? आ गया। अच्छा, ये दीवार दिख रही है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो कोई जंगल आए तो वे भी कोई भी घरे तो ले जावे नहीं, अपने काम आवे कभी। अच्छा, वो गवर्नमेंट का है क्या? हाँ, गवर्नमेंट का। और ये गांव का है? ये गांव का, तो इसलिए वहाँ पर बकरियाँ भी नहीं चराने देते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जूना जंगल में चरा सका लिखा है आगे, जूना जंगल में। पुराना जंगल है? पुराना, पुराना में। अच्छा, उसमें चरा सका? हाँ। जो भी पैसा दे नहीं चरा। अच्छा, पैसे दे के चरानी? हाँ। पड़ती है? कितने रुपये देते हो? 200 रुपया एक बकरी का पूरे का? नहीं, एक बकरी का, एक बकरी का 200 रुपया। कितने दिन? एक महीना? हाँ, पाचा एक दिन आवे तेरे चरानी पड़े। अच्छा, एक सीजन का पूरा? हाँ, सीजन का। सीजन और बस में और ही तो भी पैसा देना पड़े। तो कोई नहीं। कितनी बकरियाँ आपकी?
मार तो 20 बकरी है। 20 बकरी है। हाँ, पेड़ बकरी सब। हाँ, पहली मार 30 ही। पहले 30 ही। हाँ, आजकल क्या रेट चल रही है बकरियाँ बेचते हो तो कितने रुपए मिलते हैं? वो तो कोई 300 है, 3000 है, 3000 200 है, 5000 है बकरा का 5000। जैसे अभी हमारे दो बकरा है नी। हाँ, तीन हाँ, बकरा है। अच्छा, मैं 30,000 मांग रहा हूँ। अच्छा, एक 30,000। 30,000 बड़ा बकरा है वो? और या एक तो वो, एक और है। अच्छा, वो छोटी बकरियों के 3-4-5 हज़ार है। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ सर। अरे साहब, अब भोजन कहाँ पर करते हो आप? मैं घरे। साथ में लेके आते हो? नहीं, नहीं लाऊं। अच्छा, लेके नहीं आते? अब जाओगे दोपहर वापस? हाँ, 5 बजे जाएंगे। चलो मूंगफली खिलाओ तो। हाँ, कहाँ से लेके आए? मैं घर से लेके आया हूँ। यहाँ होती है क्या आपके? हाँ, होती है। हैं? हाँ, आपके खेतों में होती है? खेतों में। दिखाना। अरे बस बस, थोड़ी। बस। हिक्की लगी नहीं है? हैं? कच्ची है। मूंगफली खा के टाइम पास हो जाता है। बिस्किट भिजिया खाओ। अरे अरे अरे, अरे बच्चे की ओर है, बच्चे की ओर है। अरे ले लो, अरे जंगल में टाइम पास हो जाएगा। ऐसे बुलाने से सारी आ जाएगी, क्या बात है। और बुलाओ, और बुलाओ, सबको बुलाओ। तो दोस्तों देखिए कैसे बुला रहे हैं, अपने आप ही सारी चली आएगी यहाँ पर। बड़ी कौन सी थी वो जो आप बता रहे थे 30,000 की, कौन सी बेचोगे? एक ये 30,000 आप बता रहे हो कि इसकी कीमत? हाँ, कीमत आप। अच्छा अच्छा, वो दोयों का, दोयों का 50 बता रहे? हाँ, अच्छा, आप 60 बता रहे हो। आपका शुभ नाम? मूलचंद शर्मा। अच्छा, आप यहीं रहते हो क्या? जी। ये घने जंगल के अंदर भोजन पानी सब? सब व्यवस्था गुरु महाराज तरफ से है। अच्छा, यहीं पर है? है, आप आराम से कितने भी आदमी हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ आगे जाने का रास्ता कितना आगे? रास्ता 10-11 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का मात्र। हाँ। अच्छा, और जंगली कोई दिक्कत है? जंगल नहीं, जानवर है तो है, पर अपने किसी आज तक किसी कुछ नहीं खा के, ना कोई ऐसा कोई मिला है किसी। यहाँ पर अगर रात में कोई ठहरना चाहे तो रुक सकते हैं? कोई रुक सकते हैं? यहाँ पर रुक सकते हैं? यहाँ रुक सकते हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। अच्छा, वहाँ भी रुक सकते हैं, कोई दोनों ही जगह आराम से भी रुक सकते हैं। चलो अभी हम जाकर आते हैं। बिल्कुल। दोस्तों आज ठंड बिल्कुल नहीं है, ना पेड़ की, ना बादलों की, ना बारिश का मौसम। करीब 12 बजने वाले हैं। इस स्थान का कोई प्राचीन इतिहास है क्या? बिल्कुल है। कैसे? भोलेनाथ ने तपस्या की गौरम घाट, महादेव ने। हाँ, और मातेश्वरी पार्वती जो थी वो यहाँ रहती थी। अच्छा। उस समय गजानन जी की उत्पत्ति यहीं से बताते हैं। अच्छा, गौरम घाट तो यहाँ से शायद 100 किलोमीटर? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल से यहाँ से 4 किलोमीटर सीधा जाएंगे, 5 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन वो ट्रेन से जाते हैं तो? ट्रेन से जाते हैं, लंबा पड़ता है, इधर 5-6 किलोमीटर सीधा। तो माता पार्वती यहाँ पर? माता पार्वती, इसलिए स्थान का नाम गौरी घाट है। गौरी धाम। ये Thank you.
दोस्तों हमने तो आपको ये जगह बता दी है, गौरी धाम, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। अब आप जब भी यहाँ पर आए, महीने भर बाद में आ जाना चाहिए, बारिश जब जबरदस्त हो रही हो या बारिश का मौसम हो तभी आप आए, बहुत अद्भुत लगेगा आपको यहाँ पर, बहुत अद्भुत लगेगा, मजा आ जाएगा आपको आकर के। रास्ता दोस्तों पहाड़ी के ऊपर इस तरह से है कि एक सिर्फ पगडंडी है और इस साइड में बहुत ही खतरनाक खाई है, कोई गिर जाए तो बचने का चांस नहीं है। घना जंगल शुरू हो गया है लेकिन कोई नहीं है दूर दूर तक, इस दोपहर में तो जंगली जानवर निकालने से भी बाहर नहीं आएंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, एक गुफा है जो कि पहाड़ी के नीचे से एकदम आर पार गुफा है, खोखला है एकदम नीचे से, और एक महाराज मिले यहाँ पर और गौरी मैया का मंदिर भी है। इससे आगे घने जंगल में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब बारिश शुरू हो जाएगी ज़बरदस्त लगभग महीने डेढ़ महीने बाद में, तो वाटरफॉल वाकई में देखने लायक होगा। ये पूरा पूरा बीच में से एक नदी बहती है, यहाँ से ऊपर से पानी आएगा, यहाँ झरना, वाटरफॉल और फिर उसके बाद में कुंड, ये नीचे गौरी कुंड है यहाँ पर, फिर और आगे जाएंगे तो सूरज कुंड है। दोस्तों गौरी कुंड के जितने भी ये कुंड है, सूरज कुंड, गौरी कुंड, यहाँ पर आप आएँ तो नहाने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि वाटरफॉल होता है, नदी है और नीचे जैसे ही पानी गिरता है तो पानी के वेग से खड्डे हैं, कितने गहरे हैं इनका कुछ पता भी नहीं है, पानी इनके अंदर भी समा जाता है, चला जाता है। यहाँ पर कुछ समय पहले 3 लड़कों ने अपना ही वीडियो शुरू करने के बाद पानी में नहाने के लिए गए थे, जिनकी कुछ सेकंड में मौत हो गई थी। इस तरह के कई सारे केसेस हो चुके हैं जिनका बोर्ड के ऊपर इस वीडियो के अंदर आपने शुरू में देख भी लिया था। घूमने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, लेकिन पानी के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों अभी 1:30 से 2 बज गए हैं और हम भोजन कर रहे हैं, बड़ी भूख लगी है, थके हुए आए हैं। खिचड़ी, दही, प्याज और सिया के पास है कुकू। पानी, पानी। तो दोस्तों अभी करीब 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गए, हम यहीं पर आराम किया बैठे, महाराज रहते हैं। आपका नाम क्या है? लालगिरी। लालगिरी, आप यहीं रहते हो? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, और जैसे मैं आया हूँ तो इस तरह से खूब सारे यात्री आते होंगे यहाँ पर? हाँ। ज़्यादा कब आते हैं? ज़्यादा बरसात में आते हैं, बारिश के दिनों में। ये झरना यहाँ पर नदी है क्या कोई? नदी यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर से आती है, लेकिन वो इस तरीके से आती है कि वेग से आती है, पहाड़ी नदी है ना। अच्छा। तो वो जब बरसात होती है तब घंटे भर तक, घंटे दो घंटे तक पूरे वेग से चलती है, काफी गहराई है। हाँ, तो वेग से गिरती है। अच्छा, वेग से गिरती है तो पहाड़ कांपते हैं ये। अच्छा, पहाड़ कांप पहाड़ कांपते हैं ये जब हम देख रहे हैं, ये पहाड़ कांपते हैं। अच्छा। और अपन अभी तो बात कर रहे हैं तब अपन बात सुन नहीं पाते, मैं आपकी बात, आदमी आवाज आती है। अच्छा। गौरी माता रहती थी, उनका उस वक्त नाम बैरी जोगण था। अच्छा, माता का नाम। लोग बाग उसको पार्वती के नाम से नहीं जानते थे। अच्छा। बैरी जोगण के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो माता जी यहाँ रहती थी, माता जी के साथ में शंकर भगवान भी रहते थे। ये जो ऊपर जो गुफा है उस स्थान पे वो दोनों, इस पहाड़ के ऊपर है क्या गुफा? नहीं, ये जो गुफा है। अच्छा, यहाँ गुफा है? ये गुफा ऊपर जो गुफा है। हाँ, ये तो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता सा लगा। और इस गुफा से, ये जो गुफा है इसके बीच में एक टनल है, गुफा है। अच्छा, इस पहाड़ के बीच में से? हाँ, इसके बीच में से। अच्छा। ऊपर से ये पहाड़ नजर आता है लेकिन नीचे, ऊपर से जहाँ रहते थे वहाँ से नीचे तक जहाँ झरना गिरता है वहाँ तक बीच में ये खोखली है। अच्छा, खोखली है। खोखली है। अच्छा। ऊपर से नीचे जाने का रास्ता
ना धो के वापस आने का रास्ता माता जी के वो बिल्कुल टनल के अंदर है। पानी यहाँ से स्पीड पकड़ता है क्या? हाँ, पानी यहीं से झरना का यहीं से पकड़ता है, फिर नीचे एकदम अचानक से जाता है। बड़े वेग से। पिछले साल चला था जोरदार झरना? पिछले साल नहीं चला। नहीं चला, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, बारिश नहीं हुई ना पिछले साल, कम हुई थी। दोस्तों वापस जाते इस टाइम जो रास्ता है वो यहाँ आए थे उस टाइम से भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्या है, चढ़ाई सीधी ऊंचाई खड़ाई पे है, साथ में एक बैग और एक सिया, इसको भी लेना। दोस्तों पूरा रास्ता जो है वो कोई बता रहा था 500 मीटर को 1 किलोमीटर, पर हमारे को लग रहा है 2 किलोमीटर तो पक्का है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 हो सकता है, 1.5 से ऊपर हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर जाना नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे है। ऐसे अगर आप सीधा लाइन खींच के नापेंगे तो शायद किलोमीटर से भी कम होगा, ऊपर नीचे करने से किलोमीटर इसके ज़्यादा हो जाएंगे। ये क्या चीज है? कौन सी ये? ये बिल पत्र है ना, बिल पत्र। हाँ। क्या करते हैं, सीधा ही खाते हैं इसको? इसको खाते, पकने के बाद खाने की चीज ये। मीठा है अंदर से? हाँ, मीठा है, खा के देखो। लेकिन है तो सख्त ना। खाओ, अंदर से तोड़िए देखो, है ना। बीज खा लो? बीज नहीं खा, बीज तो उधर खा गया मैंने, पता नहीं चला। चलो मीठे तो है, मीठा होता है, गुणकारी होता है, गुणकारी होता है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा, चपचपा है थोड़ा। हाँ, इसमें तो होता ही ना, बहुत बड़ा। अच्छा, तो काट दिया? ऐसे यहाँ आ नहीं सकते थे, इतने आज से 40 साल पहले इतने पेड़ थे, पर इतना घना जंगल था। तो मतलब आपने कभी देखा है इतना घना जंगल? बिल्कुल देखा है। अभी यहाँ पर पेड़ तो देखना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के पेड़ ढूंढना पड़ता है, ढूंढ ही नहीं है। जैसे बेल का या कोई आम का पेड़ है तो ढूंढना पड़ेगा। आम के लगाए हुए बहुत है, इन्होंने लगाए हुए खुद के व्यक्तिगत, जैसे आपने लगाया। अच्छा, लगाए हुए लोगों के? आपने लगाया तो आपका है वो। अच्छा, ऐसे ऐसा है, अब यहाँ मैं लगा दूं तो वो मेरा होगा, वो आपका। तो फिर पानी कौन डालेगा उसमें? पानी आपको रखवाली करनी है तो आपको पालना है, आना पड़ेगा रोज। वो तो आते हैं बकरी वाले लगाते हैं ज्यादातर, तो पानी वाले डालते रहते हैं। यहाँ लोगों ने काट दिए जो पुराने जंगल था वो पूरा। कब ले गए जंगल, हम क्या साफ कर दिए सभी जगह। अरे, बारिश का इंतजार कर रहे हैं अपन। अब यहाँ क्या, सभी जगह जंगलों की हालत ही है। अगर वापस अपन सब जगह पेड़ लगा दें तो बारिश अच्छी होगी। बारिश अच्छी होती है और होता ही है। एक बात है, एक बात, अगर बकरी नहीं हो तो जंगल वैसे ही साफ नहीं हो, ये बता दूंगा। अच्छा, बकरियों की वजह से हो गई? बकरी जिस पेड़ को एक बार ऊपर से खा लिया वो वापस पेड़ फूटेगा नहीं। अच्छा, बकरी खा लेगी उसको, फूटेगा नहीं? वापस नहीं फूटेगा पेड़, वो पेड़ पनपेगा ही नहीं, पनपेगा नहीं। और दूसरा है गाय और ये तो जानवर, ये तो खैर खाते ही नहीं उस पेड़ को। पर कोई कहते हैं कि जैसे बकरियों की जो खाद होती है वो तो अच्छी रहती है। वो खाद तो केवल फसल के लिए। अच्छा,
फसल के लिए, खेती में पैदावार के लिए खाद तो अच्छी होती है, परंतु बकरी एक जानवर ऐसा है, हालांकि ठीक है इसका दूध अच्छा होता है, सब कुछ है, बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, परंतु क्या कि जानवर जिस पेड़ को एक बार इसने मुंह लगा दिया वो वापस नहीं फूटेगा पेड़, तो उस वजह से भी कम हो जाते हैं, कम होते हैं काफी। और फिर ये जब जंगल में से काट काट के ले जाते हैं मेन चीज, तो यही देखो।